देखिए ये पता चला था कि एक लूट के केस में राजनगर की पुलिस ने एक बगल के मकान में दबिश की थी। ये युवक निकल के भागा था, उसके बाद सुबह ये सूचना मिली कि इसकी डेड बॉडी जो है तालाब में मिली। इसी सूचना पे सभी अधिकारीगण यहाँ पे आए थे और उसकी बॉडी निकाली। एसओ राजनगर को मैंने सस्पेंड कर दिया ऑलरेडी, और प्लस सभी के खिलाफ एक इंक्वायरी जो एसपी ईस्ट अपनी पूरी करेंगे। अगर किसी और की भी लापरवाही आएगी तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने यहाँ, असामाजिक तत्वों ने जो यहाँ तभी करते हैं, उन्होंने पुलिस पे यहाँ अटैक करने का प्रयास किया, उनके खिलाफ सख्ती से मुकदमा कायम करके और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वो जो भी कार्रवाई होनी है मुआवजे की या जिनकी लापरवाही, अगर को सस्पेंड कर दिया, बाकी मजिस्ट्रेट यहाँ पे हैं, एसडीएम यहाँ पे हैं, जो भी मुआवजे की बात होगी, बिल्कुल मुआवजा, जिन भी स्कीम में मुआवजा बनता होगा वो मुआवजा दिया जाएगा।